हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो आज के दिन का आखिरी वीडियो है, तो चलिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं अमेरिकन बाजार के साथ। अमेरिकन बाजार कैसा चल रहा है फिलहाल? तो 150 पॉइंट की ही गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, कोई बड़ी गिरावट है नहीं, 0.33% ही डाउन देखने को मिल रहा है। नैसडेक की बात करेंगे तो इतना कुछ डाउन नहीं है, बिल्कुल फ्लैटिश, थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। वैसे तो अमेरिकन बाजार में आज के दिन जो दो बड़े अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी नेगेटिव हम लोग को देखने को मिल चुके हैं। पहले तो अगर बात करें तो इन्फ्लेशन थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा हुआ है, वो एक पॉइंट हुआ। एंड जॉबलेस क्लेम का डेटा, वहाँ पे भी हम लोग को ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, जैसे मैंने वीडियो में भी आपको बताया है कि इस प्रकार का डेटा बिल्कुल भी अच्छा यहाँ पे नहीं होता है। बट एक बार आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट अगर बार बार अगर ऐसा डेटा आना स्टार्ट हुआ तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं फिर बाजार को प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। अभी देखना पड़ेगा आने वाले समय में कैसा परफॉर्मेंस आता है करके। देन अगर हम लोग बात करेंगे आज के दिन, जैसे आपको बताइए TCS के नंबर देखने को मिल गए, उसका रिएक्शन तो कल ही देखने को मिलेगा। बट उससे पहले जो ADR है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, लाइक इन्फोसिस के ADR की बात करें तो आप वो देख सकते, लगभग 2.5% डाउन देखने को मिल रहा है। अभी तो थोड़ी स्थिति ठीक है, बीच में तो ये 3-3.5% तक नीचे चले गए थे। विप्रो के ADR की बात करें तो ये भी 2.5% डाउन देखने को मिल रहा है। मतलब हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद से TCS कल अगर शुरुआत करेगा तो शायद से माइट भी लाल निशान के साथ शुरुआत कर सकता है करके। ये कोई गारंटी नहीं होती बट एक अनुमान रहता है भाई। अभी है तो ये बहुत बड़ी कंपनी, 15 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी। ये दोनों कंपनियाँ अगर देखा गया तो विप्रो तो चलो 3-3.25 लाख करोड़ का, इसको मत देखो। इन्फोसिस देखा गया तो 9.25 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप वाली कंपनी है। तो उस हिसाब से अगर देखा गया तो इन्फोसिस भी 2.5% डाउन ही नज़र यहाँ पे आ रहा है। तो एक अंदाज़ा हो सकता है कि शायद से कि TCS कल गिरावट दिखा दे, और इसी साइज़ के बाकी की कंपनियाँ एल एंड टी, इन्फोटेक, माइंडट्री, टेक महिंद्रा, HCL टेक्नोलॉजी, शायद से उनमें भी थोड़ी बहुत गिरावट देखने को यहाँ पे मिल जाए। वैसे बाकी मिड साइज़ के जो IT कंपनीज है, स्मॉल साइज़ के IT कंपनीज है, वो कैसे रिएक्ट करते हैं वो देखना भी इंटरेस्टिंग रहेगा। बिकॉज टाटा एल्क्सी की अगर हम लोग बात करें, उनके नंबर्स तो एकदम कमाल के हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो एक इंपॉर्टेंट ये एक पॉइंट है जिसको आप चाहो तो ज़रूर नोट करके आप आगे बढ़ सकते हो। चलिए देन अगर हम लोग बात करेंगे डिफेंस से रिलेटेड, कुछ अपडेट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो डिफेंस की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले जो एक खबर देखने को मिल रही है कि सरकार ने यहाँ पे जो 80,000 करोड़ के मेजर डिफेंस के जो डील्स है उसको यहाँ पे अप्रूवल यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, उसमें हम लोग को न्यूक्लियर सबमरीन से लेकर प्रेडेटर ड्रोन्स भी देखने को मिल जाएंगे। इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें हम अमेरिका के साथ डील करके लेने वाले हैं, कुछ चीज़ें हमारे देश में ही यहाँ पे बनेंगी। सो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल चुकी है। सो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये खबर ऑलरेडी हम लोग को मार्केट में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी थी। एंड आज के दिन ड्यूरिंग द मार्केट ही ये खबर हम लोग को आते हुए देखने को मिली, मार्केट क्लोज हो जाने के बाद ये खबर नहीं आई है। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स आज के दिन ऑलरेडी, क्योंकि सबमरीन की जब भी बात की जाती है माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ये एकमेव कंपनी देखने को मिल जाती है। एंड इसी चीज़ के चलते हम लोग को ये 8.5-8.5% भागते हुए देखने को मिले। जैसे कि HCL फाइटर जेट्स के हिसाब से देखा जाता है, वैसे माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स सबमरीन से रिलेटेड देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, अभी फाइटर जेट तो काफ़ी बनाए जा सकते हैं, सबमरीन बनाना काफ़ी लिमिटेड ही काम होता है। लिमिटेड मतलब बहुत पैसा लगता है भाई सबमरीन बनाना, उसको मेंटेन करना, बनाने के लिए भी इतने सालों साल लगते हैं कि मतलब क्या ही बोलूँ। सो इसलिए माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स भागा। एंड उसी से रिलेटेड लिंक वाली कंपनियां भी थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली थी। हालांकि माजगांव डॉक से रिलेटेड एक अच्छी खबर मार्केट क्लोज जाने के बाद जरूर देखने को मिल चुकी है, जो कि 120 करोड़ का ऑर्डर इनको मिला है महाराष्ट्र की ओर से, AI बेस्ड प्रोजेक्ट यहाँ पे मिला है। हाँ, ये वाला पॉइंट आप जरूर कंसिडर कर सकते हो। बट ये जो बड़ी खबर है 80,000 करोड़ की, ये ऑलरेडी पुरानी खबर थी एंड उसी से रिलेटेड अप्रूवल भी आया, एंड वो अप्रूवल भी ड्यूरिंग द मार्केट यहाँ पे आ चुका है। तो इसको भी आप लोगों ने जरूर नोट करना चाहिए। तो इसलिए बाकी के भी कंपनीज देख सकते हो, कोचिन शिपयार्ड में भी तेज़ी, GRSC की बात करें ये भी इसी चीज़ के चलते भागा। देन HCL में भी तेज़ी हम लोग को इसी चीज़ के चलते देखने को मिली, BDL भी इसी चीज़ के चलते। डिफेंस से रिलेटेड जो परमिशन मिली, ZenTech आप देख सकते हो, ड्रोन से रिलेटेड कंपनी, हालांकि जोन से रिलेटेड US से रिलेटेड ही हम लोग को बातें देखने को मिल रही है। द्रोणाचार्य एरियल की अगर बात करें तो ये भी ड्रोन वाली कंपनी, तो इनमें हम लोग को तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली थी। देन अगर हम लोग बात करेंगे, हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिला कि क्रूड ऑयल वापस तेज़ होते हुए देखने को मिल गया, नियर बाय 4% तेज़ है। मतलब मिडल ईस्ट से रिलेटेड कोई ना कोई बड़ी हलचल शायद से देखने को मिल सकती है, या फिर हम कह सकते हो ऑयल वाले जो ग्रुप्स वाले, जो OPEC की बात करें, OPEC प्लस की बात करें, उनके ओर से भी कभी भी कोई भी खबर आ सकती है, इसकी भी पॉसिबिलिटी होती है। बट फिलहाल का माहौल जिस प्रकार के देखने को मिल रहा है, मिडल ईस्ट से रिलेटेड ही कोई ना कोई खबरें आने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। सो आप देख सकते हैं सडनली क्रूड कितना ज़्यादा वॉलेटाइल यहाँ पे हो चुका है। इस प्रकार से अगर क्रूड बढ़ता रहेगा तो हम लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी, बिकॉज हम क्रूड के नेट इंपोर्टर हैं एंड ऊपर से हम डॉलर में भी पेमेंट करते हैं तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। डॉलर अभी आपको पता है 84 को टच करते हुए देखने को मिल चुका है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों क्रांति इंडस्ट्रीज़ के बारे में। अभी क्रांति इंडस्ट्री की बात
बात करें तो ये कंपनी की चर्चे में देखने को मिले, क्योंकि इनको बेल्जियम की ओर से एक ऑर्डर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो चाहो तो इस पॉइंट को आप नोट करके चल सकते हो। पीएनसी इंफ्राटेक की बात करें तो कल के दिन इनको ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला था, ऑलरेडी इसको मैंने कवर किया था, तो इसी चीज़ के चलते 3.25% यहाँ पे भागा है। देन FISDS एक्टिविटीज़ की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो आप देख सकते हैं DIS ने वापस माल खरीदा है, बट प्रॉब्लम लगातार जारी है FIS की ओर से, जो कि लगातार वो माल बेचते ही जा रहे हैं। मतलब उनका विजन एकदम क्लियर यहाँ पे हो ही गया भाई कि यहाँ से निकालना ही है करके, पैसा करके। यूजुअली अगर मैं बात करूँ, जब भी फेड रेट कट करता है ठीक है, वहाँ से पैसा हमारे मार्केट में आता है ठीक है। बट फिलहाल प्रॉब्लम क्या हो चुका है, बातें यही चल रही है कि चाइना का मार्केट काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है फंडामेंटली अगर देखा गया, प्लस इकोनॉमी वाइज भी देखा गया, तो वो कंट्री हमसे कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग भी देखने को मिल जाते हैं। सो यही चीज़ों को लिंक किया जा रहा है कि शायद से यहाँ से पैसा उठकर चाइना में ही लगाया जा रहा है। अभी ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा इज इक्वल टू सेम ही पैसा जाएगा करके, बट जो जो चीज़ें हम लोगों ने देखी है, चाइना का मार्केट जिस प्रकार से यहाँ पे भागा है बॉटम लेवल से, वहाँ पे जो स्टिमुल पैकेज अनाउंस हुआ, रिजर्व रेशो की बात करें वो कम किए गए ठीक है, मॉर्गेज की अगर बात करें, घर लेने से रिलेटेड लोन सस्ते किए गए, तो उसी के बाद ये एक्टिविटीज़ हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड लगातार हमारे देश से पैसा यहाँ पे निकाला जा रहा है। कितना बड़ा अमाउंट है देखिए, 5,000 करोड़ का अमाउंट यहाँ पे निकाला जा चुका है। आज के दिन की बात करें, जिस प्रकार से पैटर्न यहाँ पे जारी, ऐसा लगता नहीं है कि FIS यहाँ पे रुकेंगे करके। देन दोस्तों आगे बढ़ेंगे ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। तो आज के दिन ये 5.25% यहाँ पे गिर गया। अभी ये तो कंट्रोवर्सी में भी घिर चुकी है कंपनी, आप सभी लोगों को पता ही है। एंड जिस प्रकार की चीज़ें चल रही सोशल मीडिया के ऊपर, इनके लिए तो बिल्कुल भी अच्छा पॉइंट देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। आने वाले समय में इनके सेल्स को भी ये नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे करवा सकता है। तो जो अक्टूबर मंथ जारी है दोस्तों, काफ़ी ड्रामा हो चुका है ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। सो जब अक्टूबर खत्म होकर नवंबर लग जाएगा, तो इनके सेल्स के आंकड़े कैसे आए, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। तो इसको भी अभी से नोट करके रख लेना ठीक है। एंड वैसे भी देखा गया तो कंपनी लगातार हम लोग को रेवेन्यू के हिसाब से आगे बढ़ते हुए देखने को नहीं, बट प्रॉफिट तो कंपनी का है ही नहीं ठीक है। एक स्टार्टअप टाइप की कंपनी है, बट प्रॉब्लम यह है कि कंपनी का मार्केट शेयर वो लगातार खुद का लूज करते यहाँ पे जा रहे हैं। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड, तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस कितना है, 2.5 से 3% हम लोग को डाउन देखने को यहाँ पे मिल चुका है ठीक है। तो रेगुलरली इससे रिलेटेड काफ़ी सवाल आते रहते हैं, मैं जवाब ऑलरेडी दे चुका दोस्तों। ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है ठीक है, कोई रिकमेंडेशन नहीं रहता है, बट कंपनी का बिजनेस अच्छा है इतना तो यहाँ पे कह सकता हूँ ठीक है। अभी ये तो इच्छा हर किसी की होती है, जितना सस्ते में मिले उतना अच्छा है करके ठीक है। बट अभी जैसे कि पता है कि बॉटम किसको पता नहीं, टॉप किसी को पता नहीं ठीक है। इतना तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कंपनी फंडामेंटली यहाँ पे स्ट्रांग यहाँ पे चल रही है ठीक है। एंड देखा गया तो अभी तो कंपनी का जो मार्केट साइज़ है वो भी आप चेक कर सकते हैं, 1,25,000 करोड़ का मार्केट कैप बन चुका है। सो एक एवरेज परफॉर्मेंस के लिए आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर फोकस यहाँ पे रख सकते हो। देन आखिरी पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों, तो CDSL ठीक है। CDSL का जैसे ही डेटा देखने को मिल चुका है, एक अच्छा पॉजिटिवनेस यहाँ पे बन चुका है। एंड सबसे मेजर चीज़ तो ये है कि बाजार अगर भागता है तो CDSL को भी थोड़ा बहुत बेनिफिट यहाँ पे हो जाता है। बाजार में गिरावट रहेगी तो आपको बताए बहुत सारे लोग यहाँ से भागना स्टार्ट कर देंगे, डिमैट अकाउंट क्लोज कर देंगे, तो इनको भी थोड़ा बहुत नुकसान होता है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले, वीडियो हेल्पफुल लगा हुआ तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।